देखो जी ये श्री राम स्वरूप अणखी लाइब्रेरी नवीनीकरण जिहड़ा मॉडर्नाइजेशन और इहदी रेनोवेशन की गई आ डीसी साहब का एडीसी साहब का एसडीएम साहब का बहुत वधिया उपराला। ये सिर्फ लाइब्रेरी नहीं है, ये एक कंप्यूटराइजेशन जिहड़ी आ उहदे च प्रोग्रामिंग करके जिहड़े कि अपने नौजवान बच्चों नूं जिन्हें विच कंपीटिशन दे विच भाग लै सकन। अगे साडे बच्चे जिवें इन्हां ने दस्सिया डीसी साहब ते डीसी साहब ने कि इन्हां नूं जाणा पैंदा सी दिल्ली जां दूजे स्टेशनां ते, हुण सारी प्रोग्राम करके इत्थे चार कंप्यूटर लाए गए आ और जिहड़े इत्थे बच्चे आपे कंपीटिशन दे विच नॉलेज लै सकदे ने। सो बहुत वड्डा उपराला एक मॉडर्नाइजेशन एक लाइब्रेरी बनाले नूं एक दित्ती गई आ जिहदे च बहुत मेहनत करके ये बड़ी मॉडर्न लाइब्रेरी जिहड़ी बनाई आ इहदा बच्चे फायदा लै सकदे आ पढ़ सकदे आ। इहदे विच इह सारा फुली एयर कंडीशनड बहुत वधिया इहदी रेनोवेशन करके इन्हां ने उपराला किया जिहदा मैं बहुत धन्नवाद करदा और बरनाले दे लोकां नूं इहदा बहुत फायदा। इहदे च जिहड़ा कंपीटिशन लई खास करके और दूसरा जिवें डीसी साहब ने दस्सिया जां डीसी साहब ने दस्सिया जां एसडीएम साहब ने सानूं पहलां दस्सिया कि इहदे विच इह सिर्फ इहदे च प्रोग्राम इस तरह कीता कि किसी बच्चे ने कंपीटिशन लई तैयारी करना जां कोई लैंग्वेज दे विच कोई चाइनीज़ जैपनीज स्पैनिश फ्रेंच कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहे वो सारी प्रोग्राम इत्थे कीती गई। लर्निंग नौ इन्हां ने बहुत वधिया दिता म्युनिसिपल लर्निंग रिसोर्स बच्चों लिए एक लर्निंग का प्रोसैस आ जिहड़ा कि साडे नौजवान तो फायदा लै सकन। असी ना जी एक होर बहुत वधिया गल की आ कि इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दे चेयरमैन साहब इत्थे खड़े आ कि सेम इन्ने प्रभावित होए कि साडे जिहड़े साहित दे पितामा ने श्री ओम प्रकाश गासो जी उन्हां दे नाउं ते असीं इंप्रूवमेंट ट्रस्ट विच इस तरह की एक वधिया लाइब्रेरी स्थापित करा। देखो जी ये बरनाला एक मालवा जिहड़ा है ये साहित का केंद्र आ खास करके जिहड़ी बरनाले की धरती आ इत्थे बहुत वधिया ते जिहड़े मतलब यह साहित्यकारां की बहुत वड्डी देण आ जिहदे च राम स्वरूप अणखी जी साडे आ हुण गासो साहब और जिहड़े तुसीं 10 होर अज साहित्यकार आए ने ये जिवें इन्हां नूं कहा कि साडे रतन ने इन्हां ने बहुत वड्डी बरनाले च साहित दा जिहड़ा कह सकदे हो कि एक साहित दा केंद्र आ बरनाले दे विच बहुत वड्डी सोच वाले साहित्यकार पैदा होए। इट इज़ ओपन फॉर पब्लिक लोगों लिए किया बच्चों लिए किया साडे नौजवानों लिए आ कोई भी आके इत्थे दा फायदा लै सकदा। लाइब्रेरी इज़ ओपन फॉर एवरी वन जिहड़ी लर्निंग प्रोसैस आ वो तुसीं कोई स्टॉप नहीं कर सकते। यू कान कीप लर्निंग प्रोसैस फॉर फ्यू पीपल के एक या दो इंसान नहीं होंदा ये सारे लिए आ हरेक लिए फैसिलिटी पैदा की गई। ये जिहड़ा अज जिवें तुसीं कह रहे हो लाइब्रेरी बनाई है बेसिकली असीं ये लर्निंग रिसोर्स सेंटर बनाया उहदा लाइब्रेरी भी एक पार्ट है। बेसिकली लर्निंग रिसोर्स सेंटर विच की हुंदा है कि उहदे विच लाइब्रेरी दे नाल नाल और भी बहुत सारी फैसिलिटी हुंदी है जिवें असीं इधर कंप्यूटर सैट लगाए इहदे विच असीं जिहड़ी जिहड़ा भी बंदा डिफरेंट लैंग्वेज सीखना चाहुंदा है जिवें कोई स्पैनिश सीखना चाहुंदा है कोई चाइनीज़ सीखना चाहुंदा है कोई जर्मन सीखना चाहुंदा है उहदे लई असीं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीते हैं इहदे विच कि वो कन्वर्ट कर सकता है इंग्लिश टू वो लैंगुएज में कन्वर्ट कर सकता है जो सीखना चाहता है। उस तो अलावा जिहड़ा साडा इधर प्लैनस हैगा कि कोई भी परसन अगर रिसर्च करना चाहता तो उहदे लई भी असीं इधर बुक रखेंगे जिवें डीसी सर ने कहा जियोलॉजी हो गया फिजियोलॉजी हो गया उहदे लई भी बुक्स रखेंगे। उस तो अलावा जिहड़ा साडा प्राइमरी परपज सीगा जिवें मैंने बरनाले चों ऑब्जर्व किया कि कोई भी सानू इन्ना वड्डा हॉल नहीं मिला जिधर असीं आईएसपीसीएस दी कोचिंग करा सके। अब जिवें अपने साडे जिहड़े बरनाले जिले के बच्चे हैं कॉलेज जदों मैं इन्हां तों इंट्रैक्शन करता हूँ मैनू इदां लगता है कि इन्हां नूं एक्सपोजर ही नहीं है इन्हां नूं एक्सपोजर नहीं है रीज़न बीन कि या तो इन्हां दी पहुँच चंडीगढ़ तक है या लुधियाने चले जाएंगे लेकिन जिहड़ा अल्टीमेट एक्सपोजर है जिहड़ा मैनू लगता है मैनू भी दिल्ली जाके मिलिया कि कैरियर ऑप्शनस अगे हुंदे है। तो इहदे लई जिहड़े दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट है उन्हां तों गल कीती है वो आके इधर कोचिंग देणगे जेकर बच्चे विलिंग होंगे तो उन्हां दे लई प्रॉपर फुल फ्लैज कोचिंग भी असीं इत्थे कराएंगे आईएएस दी कोचिंग कराएंगे जेकर अपने स्टेट की कोई कोचिंग करना चाहता है उहदे लई भी असीं प्लान कीता है। उस तों अलावा इहदे लई मेरा साडा एक और प्लैन सीगा कि कई बार बच्चे पढ़ाई में रहते तो इहदे लई तुसीं वेखोगे असीं स्पैशल स्पीकर भी लाए सारे इहदे विच इनबिल्ट स्पीकर लाए किसी नूं कोई डॉक्यूमेंट्री दिखानी है किसी नूं कोई बच्चे दे लई मूवी नाइट्स रखनी है वो भी साडा प्लैन हैगा। उस तो अलावा किसी नूं म्यूजिक क्लासेस देनी है उहदे लई भी साडा प्लैन हैगा इहदे लई असीं स्पैशली प्रोजेक्टर लाया स्क्रीन लाई है ये तुसीं देख नहीं रहे होगे इस प्रोजेक्ट स्क्रीन के पीछे एक असीं टीवी भी लाई है 55 इंच की वो हुण लगी भी हुई है इधर तो वो भी किसी नूं इनफॉर्मेटिव वीडियो देखने वो भी इहदे विच लोग देख सकते हैं।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈੱਟ ਲਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਸਾਹਿਤਯ ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਲਾਏਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕਸ ਖਰੀਦਣੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਕਸ਼ਨ ਬੁੱਕਸ ਹੋ ਗਈ, ਨੋਨ ਫਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋਵੈਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੇ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ DB ਹੈ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਿਊਰੋ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ 10 ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, 4 ਦੀ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਔਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਊਰਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕੋਰੋਨਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਸਾਡਾ 3-4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਜੂਗਾ।